यूज कर रही हूँ साइना का रोज फेस सीरम. नाउ दिस इज एन अमेजिंग रोज सीरम गाइस. जब मैंने इसे अपने फेस पे अप्लाई किया ना तो काफ़ी अच्छे से इसने कूलिंग इफेक्ट दिया जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. और इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना इट्स सो सूदिंग. बहुत अच्छा है ड्राई स्किन के लिए एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी काफ़ी यू नो कूलिंग इफेक्ट भी देता है. सो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी जिनकी बहुत ज़्यादा एक्ने प्रोन स्किन है उनको. Then guys, moving on to the L'Oreal Hydra Fresh Antiox Grape Seed Hydrating Aqua Balm. Now, ये जो balm है ये मैंने अभी अभी purchase किया है नायका से और मुझे बहुत ही अच्छा लगा. Mean ये balm जो है ना winter times के लिए amazing है. Like आप इसे अपने पूरे face पे apply करें before applying makeup. Moving on to the foundation, now I'm using the Focolor Fluid Foundation and my shade is 03 Warm Ivory. और ये मुझे सेंड किया है Focolor Team ने. So thank you so much Focolor Team for sending me this amazing foundation. I loved it. इसका जो coverage है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है और इसकी जो fragrance है ना it's like chocolate. तो मेरा मन कर रहा था कि मैं इसे खा जाऊँ. Actually मैं बहुत ही amazing fragrance है और बहुत amazing foundation भी है. Then guys, मैं लूंगी मेबिलिन का एज रिवाइंड इरेजर कंसीलर मेरे अंडरनीथ बैग्स को हाइड करने के लिए. एक्चुअली मेरा अंडरनीथ बैग्स है ही नहीं बट मैं हाईलाइट करने के लिए ये यूज करती हूँ. बट टू दोज जिनके अंडरनीथ बैग्स हैं पफिनेस हैं या वट एवर जो भी है तो आई डेफिनेटली रेकमेंड दिस कंसीलर. अमेजिंग कंसीलर यार कितने बार बोलूँ मैं ये अमेजिंग वर्ड. बट बहुत ही अच्छा कंसीलर है गाइज, गो फॉर इट. L'Oreal का मैट मैजिक फाउंडेशन कॉम्पैक्ट पाउडर सॉरी एंड ये है शेड न्यूड वनीला में. बहुत ही अच्छा पाउडर है यू नो, बहुत अच्छे से आपके कंसीलर फाउंडेशन को सेट करता है. ब्रश से मैं अप्लाई कर रही हूँ ना, ये ब्रश मैंने अमेजोन से लिया था. सो गाइज आई डोंट नो द नेम ऑफ दिस यू नो ब्रांड, कौन सा ब्रांड है, बट बहुत ही अच्छा ब्रश बहुत ही अच्छा ब्रश है और ये सेट में आता है. सो इट वॉज लाइक अराउंड आई थिंक 600 का पड़ा था मुझे ये टोटल सेट. एंड माई आईब्रोज आर डन ऑफ कैमरा एंड देन मैं यूज कर रही हूँ डर्मा कलर का कैमोफ्लैश क्रेम और मैं इसे अप्लाई करूंगी अपने आईलिड में. एंड अगर आप सोच रहे हैं कि मैं हमेशा ये क्यों करती हूँ, इट्स ओनली बिकॉज ताकि मेरा जो आई शेडो बेस है वो सेट रहे. आई शेडो पैलेट के लिए मैं यूज कर रही हूँ फोकलर का योर फेवर्स 18 आई शेडो पैलेट और ये है ओवन ब्राइट लुक्स और लक्स में और इसमें टोटल 18 शेड्स हैं जो बहुत ही प्रिटी शेड्स है. तो सबसे पहले शेड मैंने लिया है रूबी और मैं इसे लगाऊंगी अपने लिड में. एंड देन मैं लूंगी शेड वाइन और इसे मैं एज अ ट्रांजिशन शेड अप्लाई करूंगी. एंड गाइस मैं लूंगी शेड कार्बन और मैं इसे अप्लाई करूंगी अपने आउटर वी में और मैं जो ब्रश यूज कर रही हूँ ये है कोस्टल सेंट का. इसे ब्लेंड करूंगी ताकि यू नो जब तक मुझे वो ब्लेंडिंग वाली फील नहीं आती ना कि हाँ ब्लेंड हो गया अच्छे से. सेम शेड वाइन लूंगी और मैं इसे अप्लाई करूंगी अपने लोअर लैश लाइन में. आफ्टर दैट गाइज मैं ले रही हूँ ये शेड मून लाइट जो कि काफ़ी शिमरी शेड है और मैं इसे अपने अंडरनीथ ब्राउ में लगाऊंगी जस्ट टू गिव यू नो हाईलाइट. देन गाइज मैं यूज कर रही हूँ डर्मा कलर का कैमोफ्लैश क्रेम और मैं इसे अप्लाई करूंगी अपने आई शेडो को कार्व्ड आउट करने के लिए ताकि कोई भी हार्श लाइन्स ना दिखे. फॉर आई लाइनर मैं यूज कर रही हूँ फोकलर का आई लाइनर पेन और मैं इसे अप्लाई करूंगी अपने आईलिड पे और मैं काफी ज्यादा विंग लाइनर नहीं बनाऊंगी. फॉर मस्कारा मैं यूज कर रही हूँ एसेंस का गेट बिग लैशेज वॉल्यूम कर्ल मस्कारा और मैं इसे अप्लाई करूंगी अपने अपर लैशेज में. Now guys, for the contour, मैं यूज़ कर रही हूँ इलेक्ट्रोमेनिया का 15 कलर कॉन्टोर फेस क्रीम पैलेट और इसमें कॉन्टोर क्रीम्स भी है एंड कंसीलर्स भी है एंड ऑल्सो कलर करेक्टर्स भी हैं और ये मैंने लिया था अमेजोन से अराउंड 355 रुपीज़.
एंड देन मैं इसे अपने यूजुअल एरियाज में लगाऊंगी एंड देन मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी. एंड देन गाइज मैं लूंगी लॉरियल पेरिस का ग्लैम ब्रॉन्जर और मैं इसे अपने यूजुअल एरियाज में उसके ऊपर अप्लाई करूंगी बिकॉज ये पाउडर फॉर्म में है सो मैं इसे स्किप नहीं कर सकती हूँ. आई लव दिस ब्रॉन्जर लॉट और बहुत ही अच्छा ब्रॉन्जर है. जस्ट गिव्स यू यू नो सटल ब्रॉन्जी काइंड ऑफ लुक. तो आई एम सुपर ऑब्सेस्ड विद दिस ब्रॉन्जर लेटली. Now for the lashes, use कर रही हूँ Ming 3D hair और ये मैंने लिया था Amazon से. Amazing eyelash यार, बहुत ही pretty look देता है ये, you know kind of like normal कह सकते हैं. And then मैं use कर रही हूँ Wet n Wild का color icon blush और ये है shade mellow wine में. Then guys मैं use कर रही हूँ Sephora colorful glitter और ये है shade ballet shoes और मैं इसे apply करूँगी अपने inner corners में and also on the bridge of my nose और जहाँ जहाँ मुझे highlight चाहिए. Actually ये eye shadow है but मैं इसे as a highlighter भी use कर लेती हूँ. And then guys मैं apply कर रही हूँ Focalure का highlighter and this is in the shade spoon HO4. तो गाइस आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी आवाज़ इतनी बल्की सी क्यों लग रही है. वैसे मेरी आवाज़ हमेशा ही बल्की एंड क्रीपी सी लगती है सो प्लीज़ डोंट माइंड गाइस. मुझे कोल्ड हो रखा है सो आज मैं थोड़ा सा यू नो बल्की साउंड कर रही हूँ. एंड लुक एट दैट ग्लो मैन, दिस लुक्स अमेजिंग. फॉर माई लिप्स मैं यूज कर रही हूँ मैटमी का इन कलर एंड दिस इज द शेड. शेड तो मुझे पता नहीं यार बट मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूंगी. एंड ओह द शेड वॉज सो अमेजिंग, यू नो इतना यू नो ब्राइट कलर है ये एंड सो पिगमेंटेड. दिस इज लाइक अ वाइन कलर. मैं अपनी आईज भी मैं सोच रही थी कि वाइन में ही करूँ बट ठीक है जैसा हो गया सो फार इट्स लुकिंग अमेजिंग. सेम एसेंस मस्कारा लिया है और मैं अपने लैश लाइन में भी अप्लाई कर रही हूँ. अब बारी है फेस मिस्ट की और मैं यूज कर रही हूँ प्लम का ग्रेप सीड एंड सी बकथॉर्न फेस मिस्ट और मैं इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूंगी और फिर उसके बाद मैं थोड़ा पंखा भी कर दूंगी ताकि वो मेरी स्किन में अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए. एंड हियर इज द लुक. कैसा लगा आप सब लोगों को गाइस? सो आई नो थोड़ा ड्रामेटिक है आईज एंड माय लिप्स आर लुकिंग बट गाइस आई होप कि आप लोगों को ये लुक पसंद आया बिकॉज ये मैंने अपने सूट से मैचिंग किया है. से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड आई एम गोना मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय.